नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आ गया हूँ पुराने ट्रैक्टर के बाजार में और आप लोगों को इन ट्रैक्टरों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूँ। कौन सा ट्रैक्टर कितने रेट का है और किस प्रकार का वर्क इन ट्रैक्टरों से किया जा सकता है, तो वीडियो में बने रहना। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्वराज का ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी शानदार इसका टायर है, आगे का भी और पीछे का भी इसका टायर है। और इसके लुक की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो अभी भी एक ठीक ठाक इसका लुक है और इंजन में भी कोई विशेष काम नहीं है। इससे आप अगर चाहें तो ईंट भट्ठे पे ट्राली वर्क में आप काम कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की काम करने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। मात्र 1,00,000 रुपए में आप इस ट्रैक्टर को ले जा सकते हैं। स्वराज 834 FI का ट्रैक्टर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये भी ट्रैक्टर काफी शानदार है। इसमें भी कोई विशेष कमी नहीं है, न इंजन में कोई काम है, न इसके गियर बक्से में कोई काम है। काफी फ्रेश इसके टायर हैं और फ्रेश इसकी बॉडी है। आप देख सकते हैं, अगला टायर भी देख सकते हैं, पिछला टायर भी देख सकते हैं। इसको भी आप अगर चाहें ईंट भट्ठे पे ट्राली वर्क में और किसी भी वर्क में आप इसको जुताई में काम ले सकते हैं। इसके रेट की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो मात्र 2,00,000 रुपए में आप इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। इस ट्रैक्टर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वराज 735 का ये ट्रैक्टर है। इसके मॉडल की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2004 का ये मॉडल है। और इसके रेट की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो मात्र 80,000 रुपए में इस ट्रैक्टर को आप घर ले जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक नॉर्मल किसान के सभी काम इस ट्रैक्टर से कर सकता है। ट्राली वर्क में भी काम कर सकता है, खेत की बखरनी में भी काम कर सकता है, थ्रेसिंग में भी काम कर सकता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, काफी चर्चा में चल रहा था कुछ दिन पहले महिंद्रा का भूमि पुत्र ए ट्रैक्टर, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। आप इसे भी देख सकते हैं, इसके टायर फर्स्ट क्लास के काफी साफ सुथरे, आगे का भी टायर है और पीछे का भी टायर अच्छा है। और इसके लुक की बात करें तो इसका लुक भी थोड़ा बहुत पेंट ऊपर से गिर गया है। काम करने के लिए किसी भी प्रकार के काम में ये मना नहीं करने वाला है, बोआई में, बखरनी में, ट्राली वर्क में, और किसी भी प्रकार का अगर इससे काम करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। इसके रेट की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो मात्र 1,00,000 रुपए में आप इस गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। काफी माना जाना ट्रैक्टर अपने जमाने का। पावर ट्रेक ट्रैक्टर के बारे में बात करें, पावर ट्रेक 434 ट्रैक्टर के बारे में बात करें, तो ये ट्रैक्टर आपके सामने बिल्कुल खड़ा है। आप देख सकते हैं डेंटिंग पेंटिंग में थोड़ा सा इसके वर्क है, लेकिन बाकी बिल्कुल साफ सुथरा है। इसे भी आप किसी भी वर्क में काम ले सकते हैं, ट्राली वर्क में काम कर सकता है, बुआई में, जुताई में, बखरनी में। इसके रेट की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो मात्र 1,50,000 रुपए में आप इस ट्रैक्टर के मालिक बन सकते हैं। स्वराज का सबसे चर्चित ट्रैक्टर और फेमस ट्रैक्टर स्वराज 735 FI ट्रैक्टर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये गाड़ी भी आप देख सकते हैं काफी फ्रेश है, टायर भी इसका फ्रेश, आगे का भी फ्रेश है, पीछे का भी फ्रेश है, इंजन में भी कोई इसके काम नहीं है, ट्राली वर्क में ये भी बहुत शानदार काम करता है। अगर इसके बखरनी में भी काम लेना है तो बहुत अच्छा ये काम करेगा। काफी शानदार ट्रैक्टर है। इसके प्राइस की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो मात्र 1,00,000 रुपए में आप इस ट्रैक्टर के मालिक बन सकते हैं। यहीं पे हम दूसरे ट्रैक्टर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ट्रैक्टरों का दादाजी आप देख सकते हैं, HMT का ये ट्रैक्टर, अपने जमाने का सबसे बड़ा बॉस कहा जाने वाला ये ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा है। इससे भी अगर आप चाहेंगे तो ट्राली वर्क में ये कभी काम में मना नहीं करने वाला है। बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत ट्रैक्टर है ये। इसको भी अगर चाहें तो थोड़ा बहुत काम करवा के आप अपने किसानी के लिए काम कर सकते हैं। इसके रेट की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो मात्र 80,000 रुपए में आप इस गाड़ी के मालिक बन सकते हैं।
ये भी काफी शानदार ट्रैक्टर है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। इसमें भी अगर 50-40 हजार डाल देते हैं तो ये ट्रैक्टर बिल्कुल किसानों के काम लायक हो जाएगा। ट्राली वर्क ले सकते हैं, थ्रेसिंग ले सकते हैं, बखरनी में भी ये आपका अच्छा काम कर सकता है। इसके रेट की बात करें तो मात्र 60,000 रुपए में आप इस ट्रैक्टर के मालिक बन सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ एस्कॉर्ट 335 ट्रैक्टर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी गाड़ी देख रहे हैं, अपने जमाने की मानी जानी गाड़ी थी। घर घर में एक जमाने में ये गाड़ियां चल रही थी। बहुत ही शानदार गाड़ी है। इसके भी टायर को आप देखें तो अभी फ्रेश अगला भी है और पीछे का भी टायर इसका भी फ्रेश है। इंजन में भी कोई विशेष काम नहीं है। अगर इसके अंदर भी आप 50-40 हजार रुपए डाल देते हैं तो ये भी गाड़ी आपके काम लायक हो सकती है। इससे चाहे किसी भी प्रकार के काम कर सकते हैं। इसके रेट की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो मात्र 1,00,000 रुपए में आप इस गाड़ी के मालिक बन सकते हैं और पूरे किसानी का काम अगर आप चाहेंगे तो इससे ले सकते हैं। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को सभी पुरानी गाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताए, तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और आप इन गाड़ियों को लेना चाहते हैं, टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, तो जबलपुर रोड पे अपना कृषि केंद्र स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी में आ करके आप इन गाड़ियों को परचेज कर सकते हैं। मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।